दोस्तों अगर आपने गुल्ली बुल्ली और जेसन का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लें, वरना वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि गुल्ली बुल्ली शॉन मेले से आ रहे होते हैं, तभी शॉन भाग के हल्का होने जाता है अगर गुल्ली बुल्ली छिपके से डराते हैं, मगर यहाँ पे जेसन भी होता है। तभी उन्हें अपनी गाड़ी टूटी हुई हालत में मिलती है और जेसन भी पेड़ के पीछे से सामने आता है। तीनों इसे देखते ही यहाँ से भागने लगते हैं और रास्ते में इन्हें कुछ लोग मिलते हैं। गुल्ली बुल्ली इनसे भी यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, मगर ये लोग इनकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और किसी देर में जेसन यहाँ आके सबको मार देता है। फिर ये इन तीनों को ढूंढने आ जाता है। तीनों इससे बचने के लिए घर में ही होते हैं, तभी ये यहाँ पे एक ड्रैगन को बुलाता है और जैसे गुल्ली बुल्ली और शॉन बाहर आते हैं, जेसन ड्रैगन पे से इन्हें देख लेता है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। शॉन कहता है कि ये वही आवाज दोबारा कैसे आने लगी, आखिर कहाँ से आ रहा है ये शोर। तभी तीनों की नजर पीछे ड्रैगन पे जाती है। जेसन कहता है कि बहुत हुआ तुम तीनों का खेल, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुल्ली बुल्ली से बच गए, मगर शॉन पे ड्रैगन ने हमला कर दिया। गुल्ली कहता है कि बुल्ली हम शॉन को यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वो दोनों उसे मार देंगे। बुल्ली कहता है कि मगर गुल्ली हम दोनों उन्हें नहीं हरा सकते हैं, अगर हम गए तो हम भी मारे जाएंगे, हमें किसी की मदद लेनी होगी। इन दोनों को अभी यहाँ से भागना पड़ा। ड्रैगन कहता है कि जेसन मैं इसको अपनी गुफा में ले जाके खा सकता हूँ क्या? जेसन कहता है कि हाँ जरूर, तुम मेरे साथ ही हो, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं, लेकिन चलो इसको अपने साथ। गुल्ली बुल्ली मदद के लिए अभी भी दौड़ी जा रहे हैं, सामने इनकी गाड़ी पड़ी है। बुल्ली कहता है कि गुल्ली हम इसको चला के जा सकते हैं क्या? गुल्ली कहता है कि बिल्कुल नहीं, जरा तुम इसकी हालत तो देखो, हमें पैदल ही दौड़ के जाना होगा। दोनों दोबारा मदद के लिए जाने लगे। ये सामने से क्या आ रहा है? ये तो रॉड है और ये रॉकेट पे बैठा हुआ इधर ही आ रहा है। रॉड इन्हें देख के कहता है कि गुल्ली बुल्ली यहाँ तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारी गाड़ी की क्या हालत हो चुकी है, भला कहाँ लड़ा के आ रहे हो इसे? गुल्ली कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए रॉड, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, जेसन ने शॉन पे हमला कर दिया है, यहाँ तो कोई और भी आ रहा है, ये तो बाबा है। गुल्ली बुल्ली बाबा को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। बाबा कहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे? गुल्ली बुल्ली शॉन और जेसन के बारे में सारी बातें बताने लगे। बाबा कहते हैं कि तो ऐसी बात है तो जल्दी रॉकेट पे बैठ जाओ, हमें उसके पास जाना होगा। ये तो शॉन बेहोश हो चुका है और ये दोनों इसके सामने ही खड़े हैं। ड्रैगन कहता है कि इसके लिए शुक्रिया जेसन, अब मैं इसको आराम से खा सकता हूँ। जेसन कहता है कि इसको तुम गुफा में क्यों नहीं रखते हो, ऐसे तो ये होश में आके भाग जाएगा। ड्रैगन कहता है कि उसकी चिंता मत करो, यहाँ कोई और भी रहता है, गुफा से तो कोई बाहर आ रहा है। जेसन कहता है कि ये तो बहुत सही है, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। जेसन इधर से चला गया। ये ड्रैगन को अचानक क्या हो गया? अरे ये तो बस सो रहा है। और अब यह अजीब सा इंसान शॉन को गुफा में रखने के लिए लेके जाने लगा, ताकि जैसे ही ड्रैगन को भूख लगे वो शॉन को खा सके। मगर ऐसे घिसटने की वजह से शॉन की आंखें खुल चुकी हैं। ये इस इंसान को धक्का दे देता है। शॉन कहता है कि कौन हो तुम और मैं ये कहाँ हूँ? लगता है इसका इरादा बातचीत करने का नहीं है। ये शॉन को चाकू लेके दौड़ा रहा है, मगर कहीं गलती से ड्रैगन उठ ना जाए, वरना यह शॉन को मार देगा। गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड के साथ इस गांव में आ गए, मगर इन्हें पता ही नहीं है कि शॉन यहाँ से बहुत दूर जा चुका है। गुल्ली कहता है कि बाबा वो सभी यहीं पे थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए वो। बाबा कहते हैं कि मुझे लगता है वो लोग शॉन को कहीं और लेके गए हैं। रॉड कहता है कि बाबा हम उन्हें दो तरफ से ढूंढने चलते हैं, किसी ना किसी को वो जरूर मिल जाएंगे। गुल्ली कहते हैं कि रॉड तुम्हारा प्लान बहुत सही है, ऐसा ही करते हैं हम लोग। ये लोग दोनों तरफ शॉन को ढूंढने के लिए जाने लगे। इधर शॉन और यह अजीब सा इंसान अभी भी दौड़ ही रहे हैं, ये तो अचानक लड़खड़ा के गिर गया। यही मौका है शॉन के पास इससे पीछा छुड़ाने का। शॉन इस पे बैठ के इसको मारने लगा है, मगर इस शोर शराबे से ड्रैगन खड़ा हो चुका है और इसने शॉन को देख लिया है।
दोस्तों क्या होगा अब आगे की स्टोरी में? क्या गुल्ली बुल्ली रॉड और बाबा मिलके शॉन को ढूंढ पाएंगे, या इससे पहले ये ड्रैगन शॉन को खा जाएगा? ये सब देखेंगे हम इस कहानी के अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट जल्दी से देखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 3 जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।